हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं और साइंस के जो क्वेश्चन आज के हमारे बेसिकली वो फिजिक्स से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे मान लीजिए कोई रेलगाड़ी है, उसमें जो व्यक्ति बैठे हैं, जो गाड़ी चलती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, वो किस नियम पर आधारित है, वो कौन सा नियम है जिससे ऐसा होता है? ठीक है, तो वो है न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, अवकेंद्रीय बल या जड़त्व का नियम। तो वो है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम के अनुसार अगर कुछ कोई चीज़ अचानक से आगे हो जाती तो वहाँ बैठे व्यक्ति पीछे की ओर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक किस बल का इस्तेमाल करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के तृतीय नियम का, अवकेंद्रीय बल का और अपकेंद्रीय बल का। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, जो मौत का कुआं होता है उसमें जो मोटरसाइकिल चालक है वो कुएं के चारों तरफ घूमता है अंदर, तो किस बल का इस्तेमाल करता है? तो वो करता है अवकेंद्रीय बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रॉकेट में आने से किस बल का इस्तेमाल होता है, रॉकेट चलाने पर किस बल का इस्तेमाल होता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, द्वितीय तृतीय का, या द्वितीय है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है न्यूटन के तृतीय नियम का। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट में ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें रूपांतरण क्या होता है? पहला है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि है, ठीक है, ध्यान रखना साउंड है ये। तो राइट आंसर है इसमें कि क्या होता है वो हमें बताना है। तो ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे कम गुरुत्व का मान कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। ठीक है, तो जो जी का मान है वो सबसे कम होगा भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान, यानी पृथ्वी की अगर जो घूर्णन गति है अगर हम उसको बढ़ा दें तो क्या होगा? जी का मान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। अगर हम पृथ्वी के गति को बढ़ा देते हैं तो जी का मान कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य, मंगल, पृथ्वी, धूमकेतु। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी जो ग्रह हैं, सॉरी, जो उपग्रह हैं वो हमेशा प्लैनेट की परिक्रमा करते हैं, ग्रह की परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव विविधता को सबसे अधिक हानि पहुंचाने का काम कौन करता है? जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज्यादा हानि कौन पहुंचाता है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा हानि कृषि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या। तो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाने का काम कृषि कार्य करता है, यानी कृषि की वजह से फॉरेस्ट काटे जाते हैं, नेचुरल लैंड काटी जाती है। आपने देखा होगा बचपन में आपका जब बाग था तो वहाँ पे खेती हो रही, ना कि कोई मॉल बना, ना कोई इंडस्ट्री बनी, ना हॉस्पिटल बना। तो कृषि की वजह से सबसे ज़्यादा नेचुरल लैंड को कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जैव विविधता किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। यानी जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो कर्नाटक में, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, और इनमें जो ऑप्शन है वो कर्नाटक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता उत्पादकता कहाँ पर है, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, महासागरों पर, कर्क रेखा पर। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा पर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर
आर्द्रता ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ पर अल्टीमेटली जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ जाती है।